हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम दिवेश और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास हॉर्नबुल के कुछ मेंस वॉलेट हैं एंड इससे पहले भी मैंने मेंस वॉलेट की एक वीडियो की है जिसमें मैंने वाइल्ड हॉर्न के आपके जो वॉलेट्स होते हैं वो अनबॉक्स किए हैं। अब वो RFID वॉलेट्स हैं, ये भी RFID वॉलेट्स हैं। तो अगर आपको पता नहीं RFID वॉलेट्स क्या होते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि RFID वॉलेट्स क्या होते हैं और आपको क्यों चाहिए। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा इस वीडियो में कि RFID वॉलेट्स आप सबको लेने चाहिए, जो भी लड़के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं या जिनके जो वायरलेस वाले कार्ड्स होते हैं वो, उसके लिए वो वॉलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आज मैं हॉर्नबुल के अनबॉक्स करने वाला हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आपके कमेंट्स थे कि वाइल्ड हॉर्न और हॉर्नबुल में से कौन सा लेना चाहिए। तो वाइल्ड हॉर्न काफ़ी अच्छे वॉलेट्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अब आज हॉर्नबुल अनबॉक्स करके देखते हैं और इसकी क्वालिटी देखते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो अनबॉक्सिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, सिर्फ एक सील लगी हुई हमें हॉर्नबुल की, बाहर से कवर मिल जाता है इसमें। और ये आपका एक वॉलेट है, दूसरा देख लेते हैं एक बार खोल के। इसमें भी सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, खाली बस एक जेन्युइन लेदर की आपकी गारंटी सील लगी है। तो ये है हॉर्नबुल के दो बेसिक वॉलेट्स। तो बेस्ट मुझे लगे दो वो मैंने ऑर्डर कर दिए, काफ़ी कॉमन था तो ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया, ये मुझे ठीक लगे मैंने ऑर्डर कर दिया। इनको फटाफट से अब खोल लेते, देखते हैं इन पे कैसे कंपार्टमेंट्स हैं और कैसे कैसे इसमें आपको अलग से कार्ड्स रखने के लिए जगह मिल जाती है। पहले वाला देखते हैं, तो ये आपका कॉइन्स के लिए यहाँ पे अच्छी सी एक पॉकेट मिल जाती है, इसमें आपका क्वालिटी कंट्रोल नोट भी दिया हुआ है एक। यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाती है, बीच में एक जिप मिल जाती है, तो इसमें भी दोनों साइड आपके कंपार्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स है। एंड यहाँ पे भी है एक ये कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं। कार्ड्स के लिए आपको यहाँ एक सामने मिल जाता है एंड ये सीधा आप यहाँ से भी स्लाइड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन एक दिया है अगर आपको इजी चाहिए कार्ड निकालना। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आपने अपने नोट रखने हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा, इसमें 2000 का नोट भी आराम से आ जाएगा एंड फिर भी इसमें काफ़ी स्पेस बचती है। अंदर से जो मटेरियल है वो भी प्राइस के हिसाब से ठीक है, बुरा नहीं बोलूँगा मैं, बट अभी तक जो मेरे को लग रहा है वो वाइल्ड हॉर्न थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि वाइल्ड हॉर्न थोड़ा सा हैवी मटेरियल का मुझे लगा था। फिर अंदर आप देख सकते हैं एक दो तीन तीन कंपार्टमेंट कार्ड्स के आ जाते हैं, ये वाली पॉकेट तो हम देख ही चुके हैं, तो ये तो इसमें है। दूसरे वाला देख लेते हैं एक बारी, वही मिडल पे एक जिपर मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का जिपर है। एंड यहाँ और यहाँ एक कंपार्टमेंट है, ये आपका नोट रखने के लिए और ये भी बिग इनफ टू कीप 2000 रुपीज नोट एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड एक्चुअली। एंड यहाँ पे आप अपना कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह कुछ और रख सकते हैं। यहाँ पे एक और कार्ड की कंपार्टमेंट है इफ़ यू वॉन्टेड, ये कार्ड की कंपार्टमेंट है और इसमें सिक्के का जो आपका कॉइन्स का कंपार्टमेंट होता है वो यहाँ है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि बीच में जैसे नहीं है क्योंकि वो कई बार हार्ड कर देता है बीच में वॉलेट को, पूरा ही है तो ये पूरी लुक देता है। तो कॉइन्स की कंपार्टमेंट है और काफ़ी बढ़िया। कार्ड के लिए वही सेम दिया हुआ है यहाँ पे कि स्लाइड टू ओपन वाला। एंड यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है, यहाँ पे भी कंपार्टमेंट है, बाकी इसमें और ज़्यादा कंपार्टमेंट्स नहीं है, इसमें उसमें अंदर थी बट इसमें इतनी ही है। तो ये आपकी हॉर्नबुल की कंपार्टमेंट्स है। अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि RFID सच में रोकता भी है कि नहीं रोकता। मेरा कार्ड है और आप देख सकते हैं RFID के साथ आ रहा है, तो मैं इसको फ़ोन के बैक पे लगाऊंगा और हम देख लेंगे कि ये कैसे रीड करता है। मैं ब्लर कर दूंगा ताकि इस कार्ड की डिटेल्स ना आए। आप देख सकते हैं ऐसे ही रीड कर लेता है कार्ड को, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये कार्ड है हमारा, तो ये ऐसे कार्ड को रीड कर रहा है, तो हम इस कार्ड को वॉलेट में डाल के देखते हैं और देखते हैं कि ये रीड कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ इसमें ऐसे रख लेते हैं, लेट्स ट्राई। तो आप देख सकते हैं मैं पूरी अलग अलग तरीके से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये रीड नहीं कर रहा है, तो हाँ ये अच्छे से RFID प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये RFID रोकने में अच्छा है, यूजुअली सारे RFID वॉलेट्स काम अच्छे से करते हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं, ये भी अच्छे से RFID रोक रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं एंड क्वालिटी भी ठीक है। बट अब मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ कि हॉर्नबुल लेना चाहिए आपको या वाइल्ड हॉर्न जो मैंने पहले अनबॉक्स किया। तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे हॉर्नबुल अच्छा लगा, बट जो वाइल्ड हॉर्न था उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर और थोड़ा ज़्यादा सॉलिड और प्रीमियम मटेरियल का मुझे लगा, एंड ये मुझे उतना ज़्यादा सॉलिड या प्रीमियम मटेरियल का नहीं लगा। बट हाँ, वाइल्ड हॉर्न में मेजॉरिटी ऑफ द वॉलेट्स थोड़े बल्कि आते हैं, ये थोड़े स्लीक है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस वॉज क्विक वीडियो फॉर यू ताकि आप डिसाइड कर सके आपको कौन सा लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।